हेलो एवरी वन आई होप एवरी वन इज़ डूइंग वेल सो वी आई हेयर अगेन विद योर चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड हमने इसके अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस किए थे इन योर फर्स्ट लेक्चर लेट्स कंटिन्यू विद इट और हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज उसके रिलेटेड द लिविंग वर्ल्ड के रिलेटेड फाइन सो लेट्स मूव ऑन हमने अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस किए थे सो लेट्स स्टार्ट विद योर ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि अ रिएक्शन दैट प्ले टेक्स प्लेस इन लेबोरट्री राधर देन इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज ए इन सिटू बी इन विट्रो सी इंस्टेंट और डी इन वीवो इन चारों में से क्या होता है जो रिएक्शन लेबोरट्री में टेक प्लेस करती है ना कि लिविंग बॉडी में तो उसको हम क्या कहते हैं बी इन विट्रो जो भी चीज़ लेबोरेटरी में टेक प्लेस करती है ना कि एक ह्यूमन बॉडी में उसको हम विट्रो कहते हैं ठीक है जैसे जैसे हम कोई फर्टिलाइजेशन करते हैं इन द केस ऑफ टेस्ट ट्यूब जो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी होती है वो हो गया विट्रो कंडीशन हो गया अगर हम फर्टिलाइजेशन एक लेबोरेटरी में करते हैं जैसे बेबी जो फॉर्म होता है वो विट्रो कंडीशन होती है इन हो गया जो तुम्हारा विद इन द ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस करता है ठीक है ओरिजिनल right? पोजिशन में टेक प्लेस करता है ओके ये तुम्हें फुल फॉर्म मतलब पता होना चाहिए इनका मतलब क्या इन तीनों में से तुम्हें किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन तो मैं दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं यू हैव टू टेल विद इट इज ट्रू फॉल्स और ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स और बी इज ट्रू और ए इज फॉल्स ओके तो आपकी दो स्टेटमेंट्स ये हैं स्टेटमेंट ए है द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमी और स्टेटमेंट बी कहती है द करेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमक्लेचर दे आर बेसिक टू द टेक्सोनमी वट इज योर करेक्ट आंसर योर करेक्ट आंसर इज ए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ऑब्वियसली हमें पता है हमने कल ही पढ़ा कि टेक्सोनोमी क्या है बेसिकली प्रोसेस जब हम एक क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को उनको टेक्सोनॉमी कहते हैं और उसके जो बेसिक यूनिट्स हैं वो क्या है चार एस्पेक्ट्स उसमें देखे जाते हैं उनको कैरेक्टराइज किया जाता है हम आइडेंटिफाई करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं और उनको एक नाम दिया जाता है नोमन दिया जाता है ठीक है तो टेक्सोनॉमी को एक तरह का जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो करैक्टरिस्टिक्स है इसके ठीक है सो ए इज योर करेक्ट आंसर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू लेट्स मूव ऑन टू द ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मस्ट इन्वॉल्व पेरेंट्स फ्रॉम सेम किंगडम सेम फाइलम सेम जीनस और सेम स्पीशीज किसको बिलोंग करना चाहिए ये तो ये करेक्ट आंसर इज डी सेम स्पीशीज ठीक है तो तुम्हारा करेक्ट आंसर है डी सेम स्पीशीज ठीक है अनलाइक ए सेक्शुअल जैसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो दोनों पेरेंट्स हैं वो दोनों सेम स्पीशीज के ही होने चाहिए आई थिंक मैंने तुम्हें कैरेक्टर्स एक्सप्लेन किए थे कल ही अबाउट जो क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है सबने पढ़ा होगा किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीशीज स्पीशीज में मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं कंपैरेटिवली बाकी जो करेक्टर्स दिए गए हैं है, है ना तो स्पीशीज में हमने क्या पढ़ा था कि बेसिकली जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो पेरेंट्स हैं वो एक ही स्पीशीज के होने चाहिए ओके दे शुड बिलोंग टू द सेम स्पीशीज सो डी इज योर करेक्ट आंसर लेट्स मूव ऑन टू द ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड बिगिनस विथ ए सेलुलर लेवल बी एटॉमिक लेवल सी सब माइक्रोस्कोपिक्स मॉलिक्यूलर लेवल और डी ऑर्गेनिजमिक लेवल तो तुम्हारा करेक्ट आंसर है सी माइक सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल ओके तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बायोलॉजिकल वर्ल्ड की उसको हम ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले कौन सी चीज आती है दैट इज सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल में हम ऑर्गेनाइज करते हैं फिर वो फर्दर ब्रॉडन होती है किसमें सेलुलर लेवल में और दूसरा होता है दैट इज ऑर्गेनिज्मिक लेवल ठीक है एक सेलुलर लेवल पे उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है ऑर्गेनाइज और दूसरा ऑर्गेनाजमिक लेवल पे ठीक है अब ये जो बेसिकली uh, ये जो पहली लेवल है दैट इज सब माइक्रोस्कोपिक मोलिक मोलिकुलर लेवल जो है वो क्या कंजिस्ट करता है वो कंसिस्ट करते हैं इसके अंडर आते हैं जो तुम्हारे प्रोटीन्स आ गए कार्बोहाइड्रेट्स आ गए लिपिड्स आ गए न्यूक्लिक एसिड्स आ गए ठीक है ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल में किसमें ऑर्गेनाइज uh, किया जाता है ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल में ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड कहां से शुरू होता है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से और उसमें क्या क्या होता है तुम्हारे प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड न्यूक्लिक फाइन ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन एनिमल किंगडम इज क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट फाइला बेस्ड ऑन अब एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट फाइलम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ब्लड दे हैव the presence or absence of vertebral column the places they live in or the food they eat on ठीक है तो एनिमल जो किंगडम है वो क्लासिफाई की जाती है इनटू द डिफरेंट फाइलला बेस्ड ऑन बी द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ वर्टीब्रल कॉलम ठीक है अब जो तुम्हारी जो एनिमल किंगडम है ना उसको डिवाइड किया गया है दो में एक होता है वर्टिब्रेटा और एक होता है नॉन वर्टिब्रेटा में बेस्ड ऑन कि उसमें वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं है अगर वर्टिब्रल कॉलम है तो वर्टिब्रेटा में होगा अगर नॉन वर्टिब्रेटा हो गया कि उसमें वर्टिबल कॉलम नहीं है ठीक है अब बेसिकली जो एनिमल किंगडम होती है ना उसके उसके पास डिफरेंट डिफरेंट फाइलाज होते हैं लाइक like वर्टिब्रेटा होता, है, होता है ये डिफरेंट चीजें उसमें होती हैं ठीक है वैसे जो तुम्हारा प्लांट किंगडम होता है प्लांट किंगडम ये भी पूछा जा सकता है कि प्लांट किंगडम कैसे क्लासीफाई किया गया जो प्लांट किंगडम है वो है पोमेटो फाइट्स और क्रिप्टोग्राम में ठीक है और क्रिप्टोग्राम में क्लासिफाई किया गया है और इनटू डिफरेंट फाइल बेस्ड ऑन क्या वो वर्टिब्रेट है या नॉन वर्टिब्रेट है तो वर्टिब्रल कॉलम पे डिपेंड करता है ठीक है अब एक और चीज़ जो तुम्हें पता होनी चाहिए अबाउट द एनिमल किंगडम ये है कि फीचर्स क्या हैं ऑब्वियसली तुम्हें पता होना चाहिए कि ये यूकैरियोटिक होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं राइट हिटीरोट्रॉफिक होते हैं ये इसके मेन फीचर्स हैं और इनके पास डिफरेंट डिफरेंट फाइला होते हैं या आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इवन आपकी बुक्स में भी ये मैंशनड है Okay, let's move on to the 26th question. When the reaction that occurs in the body are made to happen in laboratory conditions, they are said to be a metabolic reaction, b oxidation reaction, c living reaction, or d reduction reaction. ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज सी लिविंग रिएक्शन अब लिविंग रिएक्शन क्यों कहा जाता है <coughs> जो भी रिएक्शन मतलब जो हमारी बॉडी में होती है पर हम उसको लैब में कर रहे हैं ठीक है थीके? है तो वो लिविंग चीज है ना हमारी बॉडी से निकली हुई चीज है तो अगर उसको लैब कंडीशंस में किया जा रहा है तो उसको लिविंग रिएक्शन कहा जाता है ओके सो लिविंग रिएक्शंस मीन्स डैट दे कैन जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्टडी कर सकते हैं और मैन्युपुलेट कर सकते हैं ठीक है जब हम लेबॉरट्री में एक ह्यूमन चीज़ को या लिविंग चीज़ को पढ़ रहे हैं मतलब उसको हम आउटसाइड द बॉडी उसके बारे में पढ़ सकते हैं उसके लिए एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है लैब में जो मिमिक करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी को फिर उसकी वो कंडीशन के अंडर उसको लैब में पढ़ा जाता है तो इसलिए उसको लिविंग रिएक्शन कहा जाता है फाइन सो सी इज योर करेक्ट आंसर लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन साइंटिफिक नेम क्या है हाउस फ्लाई का ए मस्का डोमेस्टिक डोमेस्टिका बी यूरिकॉटस फ्लोरिडाइना सी ओरक्टोलेगस क्यूनिकलस और डी एनोफिलस एल्बीमिनस साइंटिफिक नेम क्या है हाउस फ्लाई का साइंटिफिक so जो नेम है हाउस फ्लाई का दैट इज ए म्यूस्का डोमेस्टिका ठीक है अब ये तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें किसी तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है अगर ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें स्पीशीज क्या है और जीनस क्या है तो म्यूस्का क्या है तुम्हारा जीनस और डोमेस्टिका क्या है तुम्हारी स्पीशीज ठीक है नेक्स्ट यूरिकोटिस फ्लोरिडेना इसका ये किसका साइंटिफिक नेम क्या है ये किसका साइंटिफिक नेम है ऑफ द स्पाइडर जो स्पाइडर का साइंटिफिक नेम है वो है यूरिकॉटिस फ्लोरिडेना का ओके देन रैबिट जो साइंटिफिक नेम है रैबिट का वो क्या है ऑरिक ऑरिक्टोलैगस क्यूनिकलस प्लीज ये लिख लीजिए कि आपको इनमें से चारों में से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है ओके okay? और जो मॉस्किटो है मॉस्किटो का साइंटिफिक नेम है एनोफिलिस एल्बीमेनस फाइन तो इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि साइंटिफिक नेम हाउस का फ्लाई का बताइए स्पाइडर का बताइए रैबिट का बताइए मॉस्किटो का या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि <coughs> ये किसका साइंटिफिक नेम है लाइक म्यूस्का डोमेस्टिका किसका साइंटिफिक uh, नेम है हाउस फ्लाई का यूरोकार्टिस किसका है स्पाइडर का और Or, और uh, किसका है रैबिट एंड एनोफिल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है दैट इज अबाउट मॉस्किटो तो वहां से पता चल जाता है ओके लेट्स मूव ऑन टू दी एथ क्वेश्चन लाल बाग बोटानिकल गार्डन, गार्डन इज लोकेटेड इन कहा लोकेटेड है हैदराबाद बी डेली बैंगलोर और डी मुंबई जो तुम्हारा लालबाग बोटानिकल गार्डन है वो बैंगलोर में लोकेटेड है दैट सी इज योर करेक्ट आंसर और ये सबसे ओल्डेस्ट है बोटानिकल गार्डन है ऑफ इन द वर्ल्ड ठीक है जो तुम्हारा लालबाग बोटानिकल गार्डन है अब हमारे पास कुछ और भी फ्यू बोटानिकल गार्डन हैं जो विद इन इंडिया हैं एक है इंडियन बोटैनिकल गार्डन है कुछ और नाम है जो हावरा में है ठीक है और एक नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में है ठीक है सो so, आपको कुछ और नाम पता होने चाहिए एक्सेप्ट द लालबाग जो सबसे ओल्डेस्ट है सो सी इज योर करेक्ट आंसर दैट इज बैंगलोर लेट्स मूव ऑन टू द्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन द पेयर ऑफ ऑप्शन यूज इन कीज टू डिटमाइन द टेक्सोनमी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ए डब्लेट बी कपलेट सी मैनुअल्स और डी डिस्क्रिप्शन जो पेयर ऑफ ऑप्शन यूज किए जाते हैं कीज में कि हम एक डिटरमाइन कर सकें टेक्सोनोमी ऑर्गेनिज्म की मतलब क्लासिफिकेशन एक ऑर्गेनिज्म की डिटरमाइन करने के लिए उसको क्या बोला जाता है ओके okay. ये करेक्ट आंसर इज बी कपलेट तो बेसिकली की क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये टेक्सोनोमी के अंदर आता है ये वन ऑफ द टेक्सनॉमिकल एड है अब एक टेक्सोनोमिकल एड क्या है ठीक है ये वो हैं जब हमें ये वो एड्स हैं जो हमें प्लांट स्पीशीज के बारे में जब स्टडी करना होता है प्लांट या कोई भी एनिमल स्पीशीज़ के बारे में हमें जानकारी चाहिए ठीक है उन ऑर्गेनिज़म्स के बारे में जानना है तो एड हो गया मतलब कुछ चीज़ें होते हैं जिनके थ्रू हम उनकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं सो वन ऑफ दैट एक्सनॉमिकल एड जो होता है वो की होता है ठीक है अदर भी होते हैं जैसे हर्बेरियम होता है बोटैनिकल गार्डन्स के थ्रू हम नॉलेज गेन कर सकते हैं जोलॉजिकल पार्क्स होते हैं प्लीज़ ये आपको पता होने चाहिए ठीक है म्यूजियम्स के थ्रू पता चल सकता है हमें कीज हो गया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ठीक है देन फ्लोरा हो गया मैनुअल्स होते हैं ठीक है देन मोनोलॉग्स होते हैं कैटलॉग्स होते हैं ये सब टेक्सोनोमिकल एड्स है जो आपको हेल्प करते हैं टू गैदर मोर एंड मोर प्लांट आप स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज के बारे में जानकारी ले सकें ठीक है सो बी इज योर करेक्ट आंसर अब जो ये की होता है अब की क्या है बेसिकली जो की होता है ये वो टेक्सनोजिकल एड है जिसमें ये यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स कि उसमें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज़ हम देख सकें ठीक है और उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि जो सिमिलर हैं वो एक तरफ रखे जाएँ और जो डिसिमिलर हैं वो एक तरफ रखे जाएँ फिर हम उनके कैरेक्टर्स को कंट्रास्ट किया जाता है ठीक है उनके कैरेक्टर्स को कंट्रास्ट करके जो एक चीज़ उनको रखनी होगी उनको रखा जाता है और दूसरे को निकाल दिया जाता है ओपोनेंट वाले को ठीक है सो बी इज योर करेक्ट आंसर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फेलिस कैटस इज साइंटिफिक नेम ऑफ ए कैट बी लायन डी सी डॉग और डी काउ फेलिस कैटस इज द साइंटिफिक नेम किसका है नाम से ही पता चल रहा है ए कैट ठीक है तो फेलिस क्या है यहां पे आप सबको पता होना चाहिए जीनस और कैटस क्या तुम्हारा स्पीशीज ठीक है लायन का क्या होता है लियो ये हमने कल भी पढ़ा था डॉग का कैनस ल्यूपस फैमिलारिस एंड काउ का बॉस टोरस ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए और कैट किस फैमिली को बिलोंग करती है इसकी फैमिली कौन सी होती है कैट की फेली सी ओके जिसमें कैट लायन टाइगर एंड लेपिड आता है ये उस फैमिली को बिलोंग करती है तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए अबाउट कैट डॉग जो बड़ी कॉमन है लाइन कैट टॉग जैसे पोटैटो ब्रिंजल हमने कहा था किस ऑर्डर को बिलोंग करता है उसकी फैमिली क्या है तो कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट है यू नीड टू रिमेंबर दम ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सी बी डी स्टैंड फॉर ए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सी कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी और डी कॉलिकियम ऑन बायोडाइवर्सिटी करेक्ट आंसर इज बी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ओके कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये जो ट्रीटी है ये साइन हुई थी यूनाइटेड नेशंस में ठीक है इसका मोटो क्या था कि हम कंजर्व कर सकें अपनी बायोडाइवर्सिटी को ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है एंड प्रमोट कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट

जो म्यूस का डोमेस्टिका है ऑलरेडी हमने बोला है हाउस फ्लाई साइंटिफिक नेम किसका है हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ओके और आइजास जो है वो राइस है ठीक है बायोनोमल नोमेनक्लेचर क्लेचर जो है वीट राइस का वो है और इजस एटिवा एंड ग्लाइसिन मैक्स जो है दैट इज फॉर सोयाबीन क्या है सोयाबीन के लिए सो यू शुड रिमेंबर दिस चले नेक्स्ट हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल द एनिमल स्पेसिमेंट्स बी प्लेस वेयर फ्रेश प्लांट्स आर टू अट्रैक्ट विजिटर्स सी शीट्स इन विच डिफरेंट ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंट्स प्रेस्ड अगेंस्ट द पेपर्स आर स्टोर फॉर टेक्सोनोमिकल स्टडी और डी अ डिवोशनल प्लेस वेयर पीपल ऑफर देअ प्रेज फॉर द सैक्रेट ट्रीज तो अभी हमने अभी पढ़ा था सी इज द करेक्ट आंसर हबेरियम क्या है एक वन ऑफ द टैक्सोनॉमिकल एड है जो सबसे पहले हमने पढ़ा अब ये है क्या ठीक है ये टेक्निक होती है जिसमें क्या होते हैं जो स्पेसिमेंस होते हैं प्लांट्स के क्या होते हैं जो स्पेसिमेंस होते हैं प्लांट्स के उनको प्रिजर्व किया जाता है किस पे शीट्स पे ठीक है पहले उनको क्या किया जाता है कलेक्ट करते हैं जस्ट अ सेकंड क्या करते हैं पहले इनको कलेक्ट करते हैं ठीक है फिर उनको ड्राई किया जाता है एंड देन उसको प्रेस किया जाता है ऑन शीट्स ये प्रोसीजर होता है ठीक है फिर हम उनको लेबल करते हैं उसमें उनका साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसने कलेक्ट किया है उसका नाम लिखा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है और मेंशन किया जाता है तो हर्बेरियम एक टेक्सोनोमिकल एड है वन ऑफ देम ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं म्यूजियम्स प्रिजर्व लार्ज एनिमल्स एंड बर्ड्स एस स्केल इन बॉक्सेस बाय कंप्रेसिंग एंड स्टफिंग देम बॉक्सेस और डी बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट रिजेंबल्स देयर हैबिटेट सो दैट दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड जो म्यूजियम्स हैं प्रिजर्व करते हैं लार्जर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैसे सी बाइ कंप्रेसिंग एंड स्टफिंग ठीक है उनको बेसिकली स्टफ करके बॉक्स में रखा जाता है म्यूजियम तुम्हें पता है क्या है बेसिकली क्या होती है एक प्लेस है जहां पे हिस्टोरिकल या साइंटिफिक है ना या कल्चरल चीजें जो होती है हम रखते हैं ठीक है थीके? तो इनको कैसे रखा जाता है इनको कंप्रेस किया जाता है और बॉक्सेस में रखा जाता है जैसे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होती हैं या जार्स में रखा जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में के अंदर ठीक है नेक्स्ट बायोनोमिल नोम क्लेचर ऑफ पोटैटो इज ए सोलमेन ट्यूब्रोसम बी आइपोमिया बटाटास सी फैसियोल वलगरिस और डी डॉक्स कैरेटा सातवर्ष, substitute of सातवर्ष, so your correct answer is a Solanum tuberosum, theek hai jo I P O में that is for sweet potato, जो नॉमेनक्लेचर है sweet potato का क्या है, Ipomium batata, जो fasicular बिल्गारीस है, that is for beans, okay? एंड डैक्स कैरोटा कैरोटा से ही आपको पता चल जाएगा इट इज रिलेटेड टू कैरेट किसके रिलेटेड है कैरेट ओके लेट्स मूव ऑन टू दर्टी सिक्स क्वेश्चन बैट बिलोंग्स टू द क्लास का बी मेमिलिया सी स्क्रॉटिफेरा और डी कॉडेटा करेक्ट आंसर इज बी मेमिलिया जो बैट्स होते हैं वो मेमिलिया क्लास को बिलोंग करते हैं क्यों क्योंकि इनके पास क्या होते हैं मेमरी ग्लैंड होते हैं क्या होते हैं बैट्स के पास मेमरी ग्लैंड होते हैं और ये यंग वंस को बर्थ भी देते हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स है ठीक है एंड कहते हैं इवन दे हैव दिंग्स टू फ्लाई फाइन सो इन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से They belong to the class Mammalia. Okay. Let's move on to the next question. Information on any of the taxon are provided by A. Monographs, B. Manuals, C. Herbarium sheets, or D. Catalogs. सो करेक्ट आंसर इज ए मोनोग्राफ्स अब मैंने ये जो चारों चीज़ें हैं अगर आप मुझे बता सकते हैं प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि ये क्या है बेसिकली दिस इज अ टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है ये सब टेक्सोनिकल एड्स हैं ठीक है अब आपको इंडिविजुअली इनके बारे में पता होना चाहिए तो कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन जानी है ठीक है तो uh, कोई भी टेक्सॉन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है वो कौन देते हैं आपको मोनोग्राफ्स ठीक है देन व्हाट इज मैनुअल मैनुअल क्या होता है जिसमें हम कंप्लीट लिस्टिंग करते हैं एंड डिस्क्रिप्शन होती है प्लांट्स की जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं उनकी लिस्टिंग और डिस्क्रिप्शन वो मैनुअल्स के अंदर होती है हर्बेरियम शीट्स तो हमने पढ़ ही लिया एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वट इज कैटलॉग इसमें क्या किया जाता है अल्फाबेट अरेंजमेंट्स की जाती हैं क्या किया जाता है अल्फाबेट अरेंजमेंट की जाती है स्पीशीज की, की जो उनके फीचर्स डिस्क्राइब करता है क्या डिस्क्राइब करता है उनके फीचर्स डिस्क्राइब करता है कैटलॉग्स ओके सो दिस इज वन ऑफ द टेक्सनोनिकल एड ऑनली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिक द ऑड वन आउट ए हर्बेरियम बी बोटेनिकल गार्डन सी जूलॉजिकल पार्क और डी फ्लोरा इन चारों में से प्लीज पिक आउट द वन सो so, ए करेक्ट आंसर इज सी जूलॉजिकल पार्क क्यों हमने पूछा कि इसमें ऑडवन ये क्यों है जो तुम्हारा हर्बेरियम है गार्डन है और फ्लोरा है जस्ट अ सेकेंड। जो तुम्हारा हर्बेरियम बोटेनिकल गार्डन एंड जो फ्लोरा है ये सब क्या है ये जो है ये टिक्सोनोमिकल एड्स हैं कि हम जब हमें स्टडी करनी होती है प्लांट किंगडम के बारे में किसके बारे में प्लांट किंगडम के बारे में ये तीनों चीजें हैं जिसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द प्लांट किंगडम ओके जबकि जो जुअलॉजिकल पार्क है इस ये किसकी होती है ये होती है फॉर द स्टडी ऑफ एनिमल्स या उनकी स्टडी या उनको कैटेगराइज करना ठीक है तो दैट इज वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री फाइन द जुअलॉजिकल पार्क इज द ऑर्ड वन आउट फाइन so by this we have come to the end of your first chapter of diversity of living organisms में हमने first chapter the living world के बारे में जाना see अगर आपको कोई भी chapter आपको uh, MCQs आप कर रहे हैं so firstly you need to have a thorough मतलब uh, explanation and uh, uh, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इफ यू डोंट हैव द थॉर नॉलेज अबाउट इट तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उस बारे में इवन एम सी क्यू सॉल्व करना सो यू नीड टू हैव दिस फर्स्टली दिस सो वी हैव कंप्लीटेड दिस द लिविंग वर्ल्ड आज हमने ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं विद योर सेकेंड चैप्टर दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन की प्लीज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ के आए कि आपको एम सी क्यू सोल्व करने में ईजी होगा उसमें हम प्रोटी वायरसेस फंजाए वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे राइट सो यू नीड टू हैव अ बेटर एक्सप्लेनेशंस बेटर नॉलेज कि हम उन एम सी क्यूज को सॉल्व कर सकें ओके लेट्स हम कल कितने एम सी क्यू सोल्व कर सकते हैं एंड विल मूव फर्दर लाइक दैट सो ऑल द बेस्ट Please have a thorough knowledge about it. Read it so that you can solve your MCQs. Thank you and have a nice day. Take care. Bye bye.